चालीसे का तीसरा इतवार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय दो पद संख्याएं 13 से 25 तक। यहूदियों का पास का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैल सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया, सराफों के छिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलाट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई भरोसा नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाने का मकसद यही रहा कि मनुष्य उसके पवित्रता में बने रहें, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के साथ हमेशा रहना चाहता है। लेकिन इस दुनिया में मनुष्य निरंतर अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है, अपने अच्छे जीवन के लिए दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश उसे कभी कभी ईश्वर से बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वस्तुएं ईश्वर से अलग करते हैं या दूर रखते हैं। अतः हमें ऐसी चीज वस्तुओं से दूर रहने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यस्त हैं, खरीद बिक्री में लगे हुए हैं, अर्थात वहां की पवित्रता को दूषित कर रहे हैं। यीशु को रहा नहीं गया, वहां की पवित्रता को दूषित करने वाले सभी चीजों को वहां से निकाल फेंकते हैं। उन्होंने मंदिर को बाजार बनाने वाले सभी लोगों को वहां से भगा दिया तथा वहां से बैल भेड़े और कबूतर बेचने वालों को रस्सियों के कोड़े से मारकर बाहर निकाल दिए। इस पर यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? प्रभु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो
और मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे, आप कैसे 3 दिनों के अंदर बनाने का दावा कर सकते हैं? सुसमाचार के लेखक कहते हैं कि यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे और प्रभु के पुनरुत्थान पर ही लोगों ने इस कथन का अर्थ समझ पाया। सबसे पवित्र मंदिर प्रभु यीशु ही हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर हैं और उनमें पवित्रता पूर्णता में मौजूद थी। हम प्रत्येक जन ईश्वर के अपने पुत्र पुत्रियां हैं, अतः हम ईश्वर के जीवित मंदिर हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। इसलिए इस मंदिर को साफ पवित्र रखना हमारा दायित्व है। आज हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि यह मंदिर कितना पवित्र है एवं ईश्वर के निवास स्थान बनने हेतु हम कितने योग्य हैं। जैसा कि यरूशलेम मंदिर में व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता था, उसी प्रकार हम भी आज अपने हृदय रूपी मंदिर में भिन्न भिन्न व्यवसाय करते होंगे, अर्थात क्रोध, शत्रुता, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहम आदि का आदान प्रदान बड़े पैमानों में होता होगा। यदि ऐसा है तो सचमुच में हमने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इस प्रकार के मंदिर में ईश्वर कभी निवास नहीं करता है। इसलिए हमें अब शुद्धता एवं स्वच्छता की जरूरत है। आइए हम यीशु के समक्ष स्वयं को समर्पित करें, ताकि वे हमारे हृदय को बुरी प्रवृत्तियों एवं विचारों से मुक्त कर हमें शुद्ध कर सकें और हमारे हृदयों में सदा निवास करें। यदि हम ईश्वर के मंदिर हैं तो स्वभावतः हमें एक दूसरे को प्यार एवं आदर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति न केवल मुझ में है वरन मेरे पड़ोसी में भी है। लेकिन आप प्रश्न यह उठता है, क्या हम अपने पड़ोसियों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं? क्या हम उन्हें ईश्वर का निवास स्थान समझकर आदर करते हैं? ईश्वर कभी भी पक्षपात एवं भेदभाव नहीं करता, वह सम्मान रूप में आप में और मुझ में उपस्थित हैं। आइए हम इस चालीसे के पुण्यकाल में अपने हृदय रूपी मंदिर को पवित्र बनाएं, ताकि सचमुच प्रभु निवास कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें।